मोहब्बत पर तमाम बातें हुई, ये अभी अभी कह के गए कि लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। कहाँ गए, गुजर गए इधर? अच्छा, नहीं नहीं जरूरी काम से गए, अभी आ जाएंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, मैं इतनी अच्छी शायरी करके बैठे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें कुछ उल्टा अनुभव होता है। एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। आजकल लड़कियां मोहब्बत में कहती हैं, मैं पापा की परी हूं। हाँ, इसे कहेंगे तो अच्छा लगेगा। राजेश जी, मैं देख रहा था, मोहन पर खास दे रहे थे और मोहिनी को दाद दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। आजकल दोस्तों लड़कियां कहती हैं, मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैं बिल्कुल आपको ताली वाली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, बस आप जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे। चार पंक्तियां सुनाता हूं, अगर चार मिसरों में आप जुड़ गए तो ठीक है, वरना पांचवी सुनाने की कसम खा के नहीं आए, आराम से बैठ जाऊंगा। मेरी वाली भी यही कहा करती थी, मैं पापा की परी हूं। मैंने कहा तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन, मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। वाह वाह वाह, कहती मैं पापा की परी हूं, हम भी कुछ हैं। तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं, हम बाढ़ में बह के थोड़ी आए। लड़कों की अना के लिए मैंने चार लाइनें कही। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं, और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। हरताज भाई, ये गोला वाले एकदम अलग गोला के हैं, गजब के आदमी हैं। मैं ट्रेन में जब चढ़ा, लखनऊ से आ रहा था यहाँ, सवेरे वाली जो ट्रेन गोरखपुर से आती है उसमें टीटी आ गया, बोला टिकट दिखाओ। मैंने कहा लो टिकट देखो, लेकिन एक बात बताओ, ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सारे भाई साहब हाथ खोल के बैठेंगे, मजा आएगा मुझे भी आपको भी। हाँ, पता चला अचानक आपने हाथ खोल दिया तो बगल वाले को दिक्कत हो जाए। मैंने कहा यार ट्रेन में सारी, रेलवे ने इतनी सहूलियात दे रखे हैं, इतनी सब सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन यार वो जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा बधा होता है चैन से, अम्मा उसकी लंबाई इतनी को तो करो कि मकान तक पहुंच सके। टीटी लग रहा गोले का ही रहने वाला था। मैंने कहा वो ट्रेन के डब्बे में जो टॉयलेट होता है उसमें बधे हुए डब्बे के चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। उसने मुझे कहा हुजूर मग्गा चैन से बधा है, आप थोड़े बधे हैं, आप अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते। मैं पढ़ता हूं, जिसपे हर वक्त सनिचर सवार होता है, सी ही माशुका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। वाह 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 वाह, मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा प्यार। भाई साहब आप कंधे पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? मुझे डर लगता है जब कोई पुरुष दूसरे पुरुष के कंधे पे हाथ रख के बैठे। नहीं, मेरा तो मामला ही अलग है। ये इतने मस्ती से हंस रहे थे साहब, ये जब पहली बार बनारस गए, इनको कोई समझा के बेटा भेजा, बेटा बनारस जा रहे हो, बनारस में नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात तो नागा बाबा के दर्शन, ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो ना, नागा बाबा आशीर्वाद दो ना। नागा बाबा पैर झटक के, मैं छोड़ो यार, मैं कोई नागा भागा थोड़े ना हूं, वो तो गंगा में नहाने गया था, कौनो कपड़ा चुरा के भाग गया, मामला ही गड़बड़। मैं बनारस से आता हूं साहब, आप सोचिए इतना बढ़िया शहर है हमारा, आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया, इसलिए मैं अपने शहर पे गर्व
सर अलग टाइप का शहर है। आप फर्ज कीजिए बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से भी आपने उनके पीछे हॉर्न बजा दिया। अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? वाह, गजब का शहर है। आपको पता ही है हमारे यहाँ के सांसद हैं, आचार संहिता चल रहा, हम किसी का नाम काहे ले। इनके पहले भी डेवलपमेंट था भाई साहब, हाँ इनके पहले भी डेवलपमेंट था, लेकिन आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप लाल बत्ती पर गाड़ी न रोके चेयरमैन साहब 17 प्रकार के धारा में चालान हो जाता है। हमारे यहाँ गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूँ, लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक जाम था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तभी से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है, आप मस्ती से सुनेंगे तो मुझे भी मजा आएगा सुनना। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए अधे से क्वार्टर हो गए, और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलते चलते चार मिसरे और हाजिर करता हूं। मैं एक छोटी सी नज्म सुनाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि ये चुनावी माहौल है, ये नज्म इसी माहौल के लिए है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, न पक्ष का न विपक्ष का, वो आप समझें, लेकिन मैं एक छोटी सी नज्म सुना करके अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। अक्सर चुनावों में हर नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वहां से मैंने ये निकाला है, कोशिश की है, आप सबके चरणों में डालता हूं, सुनिएगा। बस आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस बात का ख्याल रखें, बस ख्याल रखें कि श्रीमती आचार संहिता का उल्लंघन कहीं ना हो। एकदम नहीं होगा, मैं एक व्यक्ति का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात आप तक पहुंचा दूंगा तो मुझे इतनी मोहब्बत देना कि मैं बनारस तक आपका प्यार समेट कर ले जाऊं। सुनिएगा, एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। यहां ताली नहीं बजानी थी लेकिन आपने बजा दी, बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां तो मैं अब चाहता था। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। वाह 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 वाह, लोकतंत्र की गरिमा को बहुत शुक्रिया, दो चार तालियां बजाने वाले लोगों तक ये बात पहुंच गई, लेकिन मैं जानता हूं सब तक बात पहुंच रही है। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, हम गधे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंतिम मित्रा देता हूं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे, आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। आदमी को आदमी। वाह 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 वाह।